नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक स्टॉक जिस पे मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं और यही बोला है कि निवेश करने के मौके तलाशिए, गिरावट में लीजिए, कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया दोस्तों। लास्ट टाइम परफॉर्म किया था 2021 में और उसके बाद से परफॉर्मेंस आई ही नहीं है। ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं और 2021 में ना ये स्टॉक सबकी पोर्टफोलियो में पहुंच गया था। इतनी भारी मात्रा में इस स्टॉक में सब लोग निवेशित थे, सब लोग बुलिश थे कि 2024 तक कुछ लोग आते आते इसको अब निकाल रहे हैं। स्टॉक का नाम है दोस्तों IRCTC। इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी के आज क्वार्टरली नंबर्स आए हैं, प्लस डिविडेंड भी आया है। कंपनी के नंबर्स कैसे रहे हैं, डिविडेंड कितना दिया है, ये सारी चीजें तो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा ही करूंगा। लेकिन साथ ही साथ एक और स्टॉक जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पस से मैंने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया हुआ है कि हर 4 साल में कंपनी अपने मुनाफे को डबल कर देती है, एक लॉन्ग टर्म पैरामीटर्स पे बहुत ही तंगड़ी कंपनी है, जरूर आपकी पोर्टफोलियो का हिस्सा होनी चाहिए। स्टॉक गिरावट में खरीदने के मौके ढूंढिए स्टॉक में, और वैल्यूएशन हमेशा महंगे रहते हैं, इस कंपनी के आगे भी रहेंगे। उसके भी नंबर्स आए हैं, कैसे रहे नंबर्स चलिए समझते हैं एक एक करके दोनों ही स्टॉक्स के। पहले IRCTC 816 रुपए पे आ गया स्टॉक। बड़ी लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस जारी है इस स्टॉक में, लगभग 2 साल की बात करूं तो करीब 572 रुपए का हो गया था स्टॉक, बढ़कर 1150 तक पहुंचा और वापस से शार्प करेक्शन देखने को मिली है, अभी 800 रुपए के पास आके खड़ा हो गया है। स्टॉक में तेजी बनी थी दोस्तों कोविड के बाद से, जहां स्टॉक ने 1200 रुपए के हाई लगाए, फिर गिरता है, गिरावट में 600 500 550 के लो लगते हैं, फिर तेजी बनती है और तेजी में ऊपर आया एंड वापस से नीचे आ चुका है। लेकिन ये स्टॉक इस भाव पे खोने के लिए ट्रस्ट में कुछ है नहीं। लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस दोस्तों उतनी दमदार आ नहीं रही है कि हम इसको ये बोलें कि भाई क्या मजा आ गया, लेकिन खराब भी नहीं है दोस्तों। एक्चुअली में प्रॉब्लम है मार्जिन्स की, मार्जिन्स नहीं इंप्रूव हो रहे हैं। एक समय पे ये कंपनी 50% 52% के मार्जिन्स क्लॉक करती थी, आज ये कंपनी 35% के मार्जिन्स पे आ चुकी है। तो ये जो मार्जिन्स का गैप है ना, ये प्रॉब्लम बन रहा है प्रॉफिट के लिए, अदरवाइज कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। अब आता हूं मैं रिजल्ट्स पे। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 295 करोड़ से बढ़कर 310 करोड़ का हो चुका है कंपनी का साल दर साल देखा जाए तो, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 308 करोड़ के सामने 310 या 316 करोड़ है, एग्जैक्टली मैं बताऊं तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, हल्की सी ग्रोथ है, ना के बराबर। लेकिन अच्छी बात यह कि हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट अब भी है। लास्ट क्वार्टर स्पेशली बोलूं तो 308 करोड़ था, वो भी हाईएस्ट एवर था, इस बार उसको बीटी करा है। तो कंपनी ऐसा नहीं है खराब कर रही है, कंपनी अच्छा कर रही है, बट वो ग्रोथ जो बहुत तेज होती थी ना, वो उतनी तेज नहीं हो पा रही अब। अगला है रेवेन्यू। अगर आप देखें तो 992 करोड़ के सामने 1060 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने कराया, अच्छा है। मार्जिन्स देखें तो 36.94% से घटकर 35.05%, तो ये समस्या बना हुआ है कंटिन्यू। मार्जिन्स ये घटते जा रहे हैं, जिस दिन ये बढ़कर वापस 40% पे आ गए ना दोस्तों, ये स्टॉक अलग लय में चला जाएगा, ट्रस्ट मी। बट कब जाएंगे पता नहीं, कितना गिरेंगे ये भी नहीं पता, हर क्वार्टर मार्जिन्स गिर जाते हैं। कामकाजी मुनाफा 367 करोड़ से बढ़कर 373 करोड़ हो गया, ये भी ठीक है। और कंपनी ने अपने शेयर धारकों को दिया है दोस्तों 4 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड, जो कि मेरे को लगता है इन्वेस्टर्स को पसंद आएगा। करंट मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट सिंगल क्वार्टर में देखा जाए तो 0.5% का डिविडेंड हो चुका है कंपनी का। 55-56 के पीई पे स्टॉक खड़ा है, 65,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी में। मेरे को नहीं लगता किसी को टेंशन लेनी चाहिए, अगर आपका लंबी अवधि का व्यू है ये उन स्टॉक में शामिल होगा दोस्तों जो जितना लंबा कंसोलिडेशन उतनी बड़ी तेजी देते हैं। चलने तो कंसोलिडेशन जब तक चल रहा है, जब रैली आएगी तो आप सभी पैसा छापोगे, इतना मैं कह सकता हूं। बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। एक सदाबहार शेयर है दोस्तों एबीबी इंडिया। एबीबी की बात करें, सीमेंस की बात करें, ये सदाबहार है। एबीबी की बात करें तो ऊपर में 9100 का हाई लगाया है, 7360 पे आ चुका है ये शेयर। और जब मैंने इस स्टॉक में बात करी थी ना कि 7000-6500 के करीब आए तो लीजिएगा, तो लोग कहते थे वहां तो पहुंचेगा ही नहीं, पहुंच गया भाई, 7300 हो चुका है, 6300 तो बहुत तंगड़ा लेवल हो जाएगा खरीदारी के लिए। 97 के पीई पे अभी भी मैं बता दूं, और ये स्टॉक का एवरेज मल्टीपल ही देखोगे ना तो वो 100-104 का है, ऐसा नहीं ऐसे सस्ता रहता ही है, रहता ही इतना महंगा है भैया ये स्टॉक, क्या करें। कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स देखे जाए तो मिले जुले कहूंगा मैं। प्रॉफिट कंपनी का 363 करोड़ से बढ़कर 440 करोड़ पे आ गया है, अनुमान 478 करोड़ का था, तो यहां मिस हो गया है अनुमान, प्रॉफिट से प्रॉफिट जो है अनुमान से मिस रह गया है। वहीं अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो 2912 करोड़ पे आया है, 3258 करोड़ का अनुमान था, ये भी खराब है। लेकिन मार्जिन्स ये अच्छे आ गए हैं,
15.84% से बढ़कर 18.54% पे आए हैं, अनुमान 18% का था। तो मार्जिन्स बहुत दमदार हैं। कामकाजी मुनाफा देखें तो 438 करोड़ से बढ़कर 540 करोड़ पे आ गया है, लेकिन अनुमान 587 करोड़ का था। तो एस्टीमेट को छोड़ दिया जाए अगर मार्जिन्स के, बाकी सब जगह खराब किया है, बस मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं। तो मार्जिन्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन बाकी जगह भी तो ग्रोथ लाओ भाई साहब, तभी तो पैसा बनेगा। तो मेरे को लगता है अगर ये स्टॉक करेक्ट होता है तो इसको डरिएगा मत, एवरेज करने के बारे में सोचिएगा। 6300 आपके लिए जो भाव मैं बता रहा हूँ, इस भाव पे इस स्टॉक में बहुत तंगड़ा मतलब पैसा बनेगा मेरे हिसाब से। वहां से स्टॉक आपका बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म में भी डबल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी अपने प्रॉफिट को 4 साल में डबल कर देती है, आपके पैसों को भी 4 साल में डबल करती रहेगी, इतना मैं कह सकता हूं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।